Hello students, welcome back. Good morning all of you. So today we will study further and we will study unity in diversity. Now India's diversity has always been recognized as a source of its strength. Bharat kiske liye pehchana jata hai? Unity ke liye aur diversity ke liye. Different culture, different traditions, different people, different geographical conditions, इन सब को मिला के हमारा देश जो है वो कार्य करता है और इसी वजह से हमारे देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन हो रखा है. इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, अब आपको पता है आज़ादी से पहले जो है उस समय पे इंडिया एकदम एकजुट होकर कार्य किया था सभी रेवोल्यूशनरीज ने और भारत को एक इंडिपेंडेंस मिली थी. सो द रेवोल्यूशनरीज वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ खड़े रहकर उन्होंने उसका संघर्ष किया था. अब एक जो ये पोयम आपको दिखाई दे रही है, ये पोयम जो है वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर लिखी हुई है. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग डू लाइट अ लैंप ऑन दिस लोनली ग्रेव Oh friend, the blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, oh friend. Indian People's Theatre Association द्वारा ये पोयम व्यक्त की गई थी जिसके अंदर कहा गया था कि हमें उन शहीदों के लिए जो उस दिन जलियांवाला बाग के अंदर जो हत्या हुई थी जिन लोगों की उनके लिए दो पल उनकी शांति के लिए प्रे करें क्योंकि उन्होंने क्या किया था वो एक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति जो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल ब्रिगेडियर जनरल डायर रेजिनाल्ड डायर द्वारा ये शूट आउट करा दिया गया था जलियांवाला बाग में. वहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित हुए थे वो सब लोग मर गए थे, बहुत से लोग जख्मी ज़्यादा घायल हो गए थे. तो उन्हीं के लिए एक सॉन्ग बनाया गया है. ये कहाँ पर हुआ था देखिए, अमृतसर के अंदर. ये आप लोग सभी को पता है अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था. मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, बहुत सारे. अब इधर देखिए अलग हिंदूज सिख्स मुस्लिम्स रिच एंड पुअर एड गैदर्ड अप, सभी लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि आज़ादी सबको चाहिए थी तो वो डिस्कशन कर रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए थे. So this song was composed and sung to honor the memory of those brave people. अब ये गाना है, ये जो song है ये किसके लिए बनाया था, ये उन सभी लोगों के लिए बनाया था जो वहाँ पर एकत्रित. यहाँ पे ये जो पिक्चर दे रखा है आपको, ये पिक्चर है जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर. ये देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं देश के, वो यहाँ पर खड़े हैं और संबोधित कर रहे हैं सभी को. तो सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ अ कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. अब हमारे जो सदियों से चला आ रहा है, ये आज का ही नहीं है, हमारी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत पहले से चली आ रही है, जो हमारे जो गाने हैं, जो हमारे सिंबल्स हैं, जो साइंस हैं उनके माध्यम से चलती रहती है. नाउ एज यू कैन सी, अच्छा ये जो बुक का नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू जी की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लिखा था और इसके अंदर इंडियन यूनिटी के बारे में ही उन्होंने बुलाया कि इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टाइज एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड. तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो बहुत गहरा एक रिश्ता जो है और उसके अंदर बहुत सारा सद्भावना भी कह लो, पेशेंस भी कह लो, वो सब चीज़ें इसके अंदर भारतीयों द्वारा अपनाई गई थी. बिकॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो फ्रेज है ये भी किसके द्वारा दिया गया है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है. जब हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इसमें, तो चैप्टर तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. एक बार पहले देख लेते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत में किस प्रकार से देखा जाता है. जैसे कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब ये ऐसा जो ये जो कहा जा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये क्यों कहा जाता है, जो कंट्री है हमारी वो तो एक ही है लेकिन यहाँ पे स्टेट्स डिफरेंट है,
डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोकेशंस का डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इनका वेशभूषा अलग है, इनका फूड अलग है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अलग है, ट्रेडिशन अलग है, रिलीजन अलग है। जैसे हम लोग बात करें डीटीज, अगर हम देखें तो डीटीज भी अलग है। डीटीज कौन होते हैं? जो गॉड है वो भी अलग है। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रिलीजन हम देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म एक्सेट्रा। नाउ दीज रिलीजन्स आर आल्सो फॉलोड हियर। ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर हम देखें तो कहीं पर आप देखोगे तो डेजर्ट है, कहीं पर आप देखोगे तो वाटर, इट इज सराउंडेड बाय वाटर। जब आप नॉर्दर्न एरिया में जाओगे जम्मू कश्मीर के साइड पे तो दैट इज अ माउंटेनियस रीजन, सो देयर आर माउंटेन्स। सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, सो डिफरेंट पीपल आर कंबाइंड टुगेदर। नाउ इंडिया के अंदर ये अलग अलग जो चीज़ें जब मिलाकर हम लोग एक बनाते हैं, हम लोग जब हमारा जो फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप देखोगे कल 15 अगस्त है तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे जो हमारा एक साथ में मनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये विविधता में एकता। इसको क्या कहते हैं हम लोग? विविधता में एकता। ऑलराइट, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स, वेयर इज वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।